राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार, एक्टिव केस में भी लगातार बढ़ोतरी। गंगाराम अस्पताल में सुबह पहुंचा ऑक्सीजन। चुनाव आयोग के फैसलों पर बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति, कई चरणों के चुनाव पर दोबारा सोचने की जरूरत। महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीनेशन पर सस्पेंस, 1 मई से मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी या नहीं, आज कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। बिहार में पूर्णबंदी को लेकर सीएम नीतीश आज ले सकते हैं फैसला, पूर्णबंदी को लेकर एनडीए में छिड़ी रार, नीतीश के सहयोगी मांझी ने सशर्त उठाई मांग। अब केंद्र से हरियाणा को मिलेगी ज्यादा ऑक्सीजन, 162 MT से बढ़कर 232 MT हुआ कोटा, खट्टर सरकार ने दिया धन्यवाद। देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन, आरोग्य और कोविन ऐप पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 6 और रफाइल फाइटर जेट आज पहुंचेंगे भारत, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन हो जाएगा पूरी। आज होगी पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे सभी मंत्री, महामारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर होगी चर्चा। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके, बिहार और बंगाल में भी हुआ असर, 6.4 रही तीव्रता, कई इमारतों में पड़ी दरार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को हराया, पंत ने मैच के बाद कहा, काफी निराश महसूस कर रहा हूं, बेंगलुरु की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची। महामारी के बीच भारत को मिलेगी राहत, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी 1 मई को पहुंच जाएगी भारत, आरडीआईएफ सीईओ किरिल दिमित्रीव ने दी जानकारी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आज पूरे होंगे सरकार के 100 दिन, 20 जनवरी को ली थी शपथ। लाल सागर में यानबू बंदरगाह पर जहाज पर हमले की आशंका, सागर में धुआं उठता दिखा, सऊदी अरब ने अब तक नहीं दी कोई जानकारी। अंतरिक्ष में 4 एस्ट्रोनॉट्स की बाल बाल बची जान, स्पेसएक्स रॉकेट के नजदीक से गुजरा आसमानी मलबा, उड़ान के 7 घंटे बाद दी गई चेतावनी। नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा चीन, हेलीकॉप्टर कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और मिसाइल क्रूजर से चीन ने बढ़ाई अपनी ताकत। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 238.60 अंकों की बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 70.30 अंक की तेजी पर कर रहा कारोबार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी, अब नहीं होगी देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी, कंपनी रोजाना रेमडेसिविर की 30,000 शीशी करेगी तैयार। फिर महंगा हुआ कच्चा तेल, घरेलू बाजार में आज भी दोनों ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं, आज से 13 दिन पहले पेट्रोल हुआ था प्रति लीटर 16 पैसे सस्ता। जिंदल स्टेनलेस ने जाजपुर से शुरू की लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई, सरकारी और निजी क्षेत्र में कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को रोककर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में की। और रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, आज से चलेगी हावड़ा अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, घर वापसी करने वाले प्रवासी कर सकेंगे सफर।